गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है हमारे लॉ वाले पोर्शन का। और जैसा आप लोग जानते हो कि लॉ के पोर्शन में सीए इंटरमीडिएट में इस बार आने वाले हैं एमसीक्यूज़। 30 मार्क्स का हमारा जो पेपर है वो रहेगा एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू का भी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी सारे जनों का फ़ोन भी था, मैसेजेस थे मेरे पास में कि सर जल्दी से एमसीक्यू का वीडियो बनाइए। तो लीजिए एमसीक्यू का वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके सामने है और हम लोग सीधा सीधा सा स्टार्ट कर देते हैं। कंपनीज एक्ट के हमारे जो एमसीक्यूज हैं उन पर अपन लोग बात शुरू करते हैं और हर तरह के क्वेश्चंस इसमें अपन लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कुछ रहेंगे, कुछ जैसा आईसीए ने प्रिस्क्राइब करके रखा है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस जो हैं उनको भी हम अपनी इस पूरी सीरीज में कवर करने वाले हैं, बराबर। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पार्ट 1 कंपनीज एक्ट का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग वहां से इस वक्त में देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। हमने एक ब्लैंक जगह दिया है और आगे लिखा है इज अ शॉर्टकट ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में आ गया कि फोर फीचर इज अ शॉर्टकट ऑफ सरेंडर, या सरेंडर इज अ शॉर्टकट ऑफ फोर फीचर, या री इश्यू इज अ शॉर्टकट ऑफ फोर फीचर, या री इश्यू इज अ शॉर्टकट ऑफ सरेंडर। तो बट ऑब्वियस है, हम लोग जानते हैं कि सरेंडर ऑफ शेयर जो है वो फोर फीचर का शॉर्टकट कहा जाता है। यानी कि हमारे लिए यहाँ पे आंसर नंबर बी जो है, सेकेंड नंबर जो है वो हो जाएगा करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है जहां पे लिखा है सेक्शन 68 जो है वो किस बारे में बात करता है। देखिए अब एक बड़ा डाउट ये था कि सर क्या सेक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे क्या, थोड़े से कम बनने के चांसेस हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डायरेक्ट सेक्शन पे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाए। हालांकि कुछ एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं इस पर्पस से कि इन जनरल अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में भी आपको ये सेक्शंस लिखने चाहिए, याद होने चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया सेक्शन 68 टेक्स अबाउट फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइवेट प्लेसमेंट, देन पेनल्टीज रिलेटेड टू चार्जेस, देन बायबैक ऑफ शेयर्स और नन ऑफ दी अबव। तो हमारा आंसर सीधा सीधा सा सी हो गया, यानी बायबैक से हमारा ये कनेक्शन है सेक्शन नंबर 68 का, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आया कि इन तीनों में से, चारों में से कौन सा कंपनी का कहलाता है चार्टर। देखिए फर्स्ट फेज हमारा जो आज का है उसमें मैंने काफी सारे सिंपल वाले क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ भाई ये वाली चीजें तो हमको आती हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग आएंगे कुछ मेन क्वेश्चंस पर, इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चंस पर जिनको हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब तक हम ये समझ रहे थे कि वाकई में हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन आईसीए ने जो क्वेश्चंस का पैटर्न अपना दिया है, भाई क्वेश्चन को पढ़ने में भी अपने को पूरा टाइम लगने वाला है। जो लोग इस वक्त रेगुलर क्लास कर रहे हैं या जिन लोगों ने वीडियो क्लासेस लेके रखा है, तो हमने कुछ क्लास के अंदर भी एमसीक्यूज का पैटर्न डिस्कस किया है। वो क्लास वाला वीडियो जो है वो भी जल्दी हम अपलोड करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस तरह के डिटेल क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनको पूरा पढ़ के देन आंसर देने में हमको टाइम लगने वाला है। तो उसी तरीके से हमको मैनेज भी करना पड़ेगा अपने टाइम को, किस तरह से हम एग्जाम में करने वाले हैं। नाउ अभी हमारे पास में आ गया इनमें से कौन सा वो है जो चार्टर की तरह से काम करेगा। दो आप लोग देख सकते हैं, सबको मेरे ख्याल से आंसर पता है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डायरेक्ट अपना आंसर है, जो कंपनी का चार्टर भी कहलाता है। नेक्स्ट अपने पास में आ गया रजिस्टर ऑफ चार्ज शैल बी प्रिजर्व फॉर, जो चार्ज वाला हमारा चैप्टर है उसमें अपना एक पॉइंट है कि जो चार्जेस होता है ना, कंपनी ने लोन लिया उसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी को चार्ज किया और उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है, तो वो रजिस्टर 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर या परमानेंटली मेंटेन करना चाहिए। तो हमारा आंसर जब आप लोग चेक करेंगे तो परमानेंटली जाने वाला है। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है 8 ईयर से वो इसको मैच करते हैं बिकॉज बुक्स वगैरह का प्रिजर्वेशन जो है उससे इसको याद रख लेते हैं। याद रखिए ये रजिस्टर तो हमेशा भर के लिए परमानेंटली अपने को प्रिजर्व करके रखना होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी। अब हम लोग जानते हैं पब्लिक का अगर कोई भी सब्सिडरी कंपनी है तो उसको हम क्या एक पब्लिक कंपनी मानते हैं? हाँ सर बिल्कुल सही है। एसोसिएट कंपनी नहीं सर, वो तो नहीं हो सकता है। डीम टू बी पब्लिक कंपनी मानते हैं या डीम टू बी एसोसिएट कंपनी। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर इसका पता है बहुत अच्छी तरह से, सी है, यानी डीम टू बी पब्लिक कंपनी, बराबर, बहुत सिंपल हो गया। देन नेक्स्ट देखें आप लोग, द सीलिंग लिमिट फॉर शेयर्स विद, अब डीवीआर जो मैंने यहां पे लिखा है आप लोग जानते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो गए, तो डीवीआर जो है उसका एक सीलिंग लिमिट आप लोगों को देके रखा है कि कितना रेशियो से ज्यादा डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू नहीं हो सकते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन हमने लिया 20% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड है 25% ऑफ द टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर सी ऑप्शन हमने लिया है 26% ऑफ द पोस्ट इश्यू ऑफ पेड अप इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और डी ऑप्शन जो हमारे पास में है 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अगर ये प्रोविजन आप लोगों ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट के पढ़ रखे हैं तो इतना तो अपने को दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि सर वहां पे था तो 26% ही, ये तो हम कंफर्म है। तो सर 20 और 25 तो हटाइए, अब 26 में हमारे पास में कौन सा था, क्या इक्विटी प्लस प्रेफरेंस था या खाली इक्विटी कैपिटल था? तो ध्यान रखिएगा आंसर नंबर हमारा डी करेक्ट जाने वाला है, यानी कि 6 का डी नंबर 26% ऑफ द पोस्ट इशू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारा आंसर जाने वाला है। बराबर, सिंपल सा हमारा काम हो गया। नेक्स्ट वाला आप देखें, सेवेंथ क्वेश्चन, अ कंपनी में इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इंक्लूडेड डिविडेंड देयर ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑलरेडी इशूड अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर विद द कंसेंट ऑफ। अब आप लोग जानते हैं कि अगर हमको प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है तो हमारे पास में एक तरीका ये भी हो सकता है कि जितना अमाउंट का हमको रिडेम्पशन करना है उसके और इंक्लूडिंग डिविडेंड उसके बराबर के कुछ और प्रेफरेंस शेयर जो हैं अनरिडीम वाले वो उनको इशू कर दिए जाएं, यानी ओल्ड प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडेम्पशन होना है उसकी जगह पे उतना ही वैल्यू इंक्लूडिंग डिविडेंड हमने नए प्रेफरेंस शेयर आपको इशू कर दिए, तो पुराने वालों का हम मान लेते हैं कि हाँ रिडेम्पशन हो गया, अभी नया वाला जो हमारा मैटर है वो स्टार्ट हो गया। बराबर, लेकिन इसके लिए हमको लेना पड़ता है मेंबर्स का कंसेंट। तो हमने कहा भी किसका कंसेंट चाहिए, 3/4 ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 3/4 ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, या अगले में आया होल्डर्स ऑफ 3/4 इन द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, या होल्डर्स ऑफ द 3/4 इन वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। देखिए इक्विटी एंड प्रेफरेंस का तो रोल है ही नहीं क्योंकि प्रेफरेंस वालों का मैटर है, अब 3/4 का मैटर आके रुकता है। देखिए फर्क है ए और सी ऑप्शन में, समझिएगा। ए में हमने लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 3/4, यानी अगर 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो उसका 3/4 हमको अपना कंसेंट दे दें, 75% कंसेंट हमारे पास आ जाए, 75 लोग उस पर हाँ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। जबकि सी का मतलब है 3/4 इन द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर, मतलब इन 100 लोगों के पास में अगर 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो हमको 100 का 3/4 नहीं चाहिए, हमको चाहिए होल्डर्स ऑफ द 3/4 इन वैल्यू, यानी 10 लाख जिनके पास में वैल्यू है उस वैल्यू का 3/4, यानी 7.5 लाख जिनके पास में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। फिर नंबर में भले वो लोग 5 हैं 10 हैं 15 अभी मतलब नहीं, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उनका अगर कंसेंट आ गया तो हाँ भाई ओके है, हम ऐसा काम कर सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम वो कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो 7 का सी ही रहने वाला है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, सिंपल हो गया। आइए नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास आते हैं, एक डायरेक्ट डेट का क्वेश्चन हमने ले लिया है, देयर शेल बी नो सब्सिक्वेंट एडिशन टू द लेयर ऑफ सब्सिडरीज। आप लोग जानते हो नया नोटिफिकेशन आ चुका है, किसी भी होल्डिंग कंपनी का 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी नहीं होगा, और एक नोटिफिकेशन का डेट है, एक्चुअल में 2 डेट्स आपको कंफ्यूज करेंगी, 17 फेब वाली भी है और 20 सितंबर वाली भी है। जब आप चेक करेंगे तो वो डेट जिसके बाद से ये लेयर्स जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वैसे नोटिफिकेशन तो 17 फेब का है लेकिन वो जो डेट उसमें जस्टिफाई की है, जो प्रिस्क्राइब की है लॉ ने, वो डेट हमारी 20 सितंबर जाने वाली है। तो 8th का अपना जो आंसर है वो जाएगा 20 सितंबर 2017, है ना। आप इसके लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरा जो अमेंडमेंट क्लास है उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, उसका डेट जो है वो नोट्स के साथ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पे, 9th नंबर पे हम लोग आ गए। हमने कहा इसमें से कौन सा रिलेटिव का डेफिनेशन में कवर नहीं है, कंपनीज एक्ट ने, देखिए आप इसमें टैक्स का पॉइंट नहीं डालेंगे, कंपनीज एक्ट ने रिलेटिव का अपना एक डेफिनेशन सेट किया है, और उसमें क्या क्या है हम लोग जानते हैं। उसमें सबसे पहले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इंक्लूड किया है पूरा, देन स्पाउस उसमें इंक्लूड है, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो 8 रिलेशंस यहाँ पे सेट किए हैं। बराबर, फादर इंक्लूड है, इंक्लूडिंग स्टेप फादर है, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर उसमें इंक्लूड है, देन उसके बाद में सन इंक्लूड है, इंक्लूडिंग स्टेप सन है, सन का वाइफ है, डॉटर उसमें इंक्लूड है लेकिन स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं है, डॉटर का हस्बैंड इंक्लूड है, देन ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर।
तो सन इंक्लूड है, सन की वाइफ भी इंक्लूड है, डॉटर इंक्लूड है, लेकिन स्टेप डॉटर को इंक्लूड नहीं किया है, डॉटर का हस्बैंड भी इंक्लूड है। तो आंसर हमारा सी चला जाएगा, स्टेप डॉटर ही अपने को ध्यान में रखना है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा जो है 9th का वो हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट पे हम लोग आगे, 10th वाला क्वेश्चन हमारा कहता है चेंज इन द रजिस्टर्ड। अच्छा यहाँ एक छोटा सा करेक्शन डालिएगा, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का बात हो रहा है, मे बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड रेजोल्यूशन इन केस देयर इज। अब हम लोग कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में बहुत सारे तरीके से चेंज करते हैं, विद इन लोकल लिमिट्स भी हम लोग चेंज करते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में गए जिसमें आरओसी का जुरिसडिक्शन सेम है, कई बार हम एक ही स्टेट में एक आरओसी से दूसरे आरओसी के एरिया में जा सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है, कई बार हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और हमको मेनली पास करना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन बोर्ड रेजोल्यूशन तभी पास होता है जब हम लोग लोकल लिमिट्स में चेंज कर रहे हो, यानी उसी टाउन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम चले गए हों तो काम आएगा। तो ए नंबर आंसर हमारा जो है वो एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, 10th का ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, आइए 11th पे आते हैं। नोटिस ऑफ मीटिंग शुड बी इशूड अंडर द प्रॉपर अथॉरिटी नेमली, यानी मीटिंग का जो नोटिस है वो इशू करने वाली अथॉरिटी सीएस होगा, बोर्ड होगा, प्रमोटर होगा या चेयरमैन होगा। आपकी मीटिंग्स वाले चैप्टर में आपको इसका आंसर मिलेगा और हमारा आंसर रहेगा सीधा सीधा सा बीओडीस। देखिए सीएस इशू कर सकता है नोटिस को, लेकिन अंडर द अथॉरिटी ऑफ बीओडीस, मतलब बीओडीज ऑथोराइज करें तो वो इशू करेगा, इसीलिए हमारा आंसर नंबर बी ही यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट पे हम लोग आ गए 12th नंबर क्वेश्चन के ऊपर, हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया जहां हमने आपसे पूछा क्लियर डेज नोटिस शैल बी गिवन फॉर कॉलिंग अ जनरल मीटिंग। हम जानते हैं क्लियर डेज किसी भी मीटिंग का नोटिस जो है 21 क्लियर डेज पहले जाने वाला है। हाँ, अगर हम लोग कुछ डेज और उसमें ऐड कर देते हैं तो 25 डेज पे हमारी बात पहुंचेगी, लेकिन क्लियर डेज अगर पूछा जाए तो हमारा 21 क्लियर डेज हमारा आंसर जाने वाला है। ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले वहां पे हैं। बराबर, नेक्स्ट पे हम लोग आ गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। ध्यान रखिएगा, डिबेंचर ट्रस्टी का हमारा ये क्वेश्चन है, इफ ही हैज एनी फाइनेंशियल रिलेशन है उसका विथ द कंपनी अमाउंटिंग टू कितना, कुछ परसेंटेज में हो सकता है, और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, और देन एक यहाँ पे रुपीज भी आपको देके रखा है। तो जब आप अपना डिबेंचर वाला चैप्टर यहाँ पे देखेंगे तो उस डिबेंचर वाले चैप्टर में एक टॉपिक अपने पास में आएगा डिबेंचर ट्रस्टी का, कि एक पर्सन हमारा अपॉइंट हो सकता है एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। बराबर, लेकिन एक लिस्ट आपको देके रखी है कौन नहीं बनेगा डिबेंचर ट्रस्टी, यानी डिसक्वालिफिकेशन, जैसे ऑडिटर का है ना वैसे ही ऑडिटर की तरह ही डिबेंचर ट्रस्टी का भी डिसक्वालिफिकेशन है, और उस बेस पे वहां जब आप चेक करेंगे तो हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी आंसर हमारा करेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारे पास में नंबर रहेगा 2% और मोर, बराबर, ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, और यहाँ पे रहेगा 50 लाख रुपीज, है ना, विच एवर इज लेस। तो प्रोविजन सीधा सीधा सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है 13 का सी नंबर, इसी पर हो सकता है एग्जाम में कोई प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन करके आ जाए, तो उसमें भी आपको ये लिमिट जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आइए देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड टू पर्सन। अब 67 इसी चीज के लिए है, बायबैक के सेक्शन से जस्ट पहले आप इसको पढ़ते हैं, ए लिमिटेड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड टू पर्सन फॉर परचेज ऑफ इज ओन शेयर विच इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 67। अब हमने कहा कि भाई फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है सेक्शन ए लिमिटेड ने फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर दिया है, और जो सेक्शन 61 के प्रोविजंस को फॉलो करके नहीं है, है ना, 67 में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन आपको दे के रखे हैं जो स्पेसिफिकली बात करते हैं कि कैसे कोई कंपनी अपने ही शेयर्स परचेस करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर सेक्शन 67 फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, सबसे पहला एक्शन अनलॉफुल हो जाएगा, दूसरे में हमने कहा एक्शन अनलॉफुल होगा और कंपनी एंड ऑफिसर्स लायबल होंगे, फिर नेक्स्ट में हमने कहा एक्शन इज नॉट अनलॉफुल बट कंपनी इज लायबल, कंपनी लायबल हो जाएगी, फिर हमने एक और ऑप्शन बनाया
एक्शन इज नॉट अनलॉफुल एंड कंपनी एंड ऑफिसर्स बोथ आर लायबल, तो यही हमारा आंसर जाने वाला है, एक्शन अनलॉफुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भी ऑफिसर्स हैं या जो भी कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी इसके लिए, अगर इस सेक्शन के अगेंस्ट में जाकर के शेयर इशू किए जाते हैं तो, सॉरी, फाइनेंशियल एड जो है किसी को भी दी जाती है तो। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 66, इफ कंपनी फेल्स टू पब्लिश द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, बराबर, देन कंपनी शैल बी लाइबल फॉर। आप जानते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल में, हाँ, ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो हमको पब्लिश करना पड़ता है, पब्लिक नोटिस के थ्रू हम लोग पब्लिश करते हैं, और अगर नहीं किया तो पेनल्टी कितना लगेगा। अब देखिए, एक डाउट ये भी था स्टूडेंट्स का कि सर इतना सारा पेनल्टी है तो क्या इतना सारा पेनल्टी हमको याद करके जाना है क्या? देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, और अकॉर्डिंग मी पेनल्टीज पर ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं, है ना। हालांकि कुछ क्वेश्चंस हमने पेनल्टीज के इंक्लूड किए हैं अपने यहाँ पे भी, अपने मैंने अपने क्वेश्चंस में भी किए हैं, बट अकॉर्डिंग मी अगर किसी पेनल्टी पर कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिख रहा है अलग से बिल्कुल पेनल्टी वाला, तो आप उसको याद ज़रूर करके जाएं। जैसे अपना प्रोस्पेक्टस में अपना सिविल और क्रिमिनल लाइब्रेरी वाला अलग से हमने सेक्शन आपका 34, 35 बना करके दे दिया, तो समझ में आता है कि हाँ भाई वहाँ कुछ पॉइंट हो सकता है पेनल्टी के ऊपर, अदरवाइज इतना अपने को टेंशन लेने का जरूरत इसके अंदर नहीं है। तो 15 का डायरेक्ट आप लोग ध्यान में है, 5 फ्लैग से 25 फ्लैग हमारा आंसर जाने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसका। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वाले पे आ गए, 16 नंबर पे, जो कहता है बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या इंक्लूड नहीं होगा? तो आप जानते हैं हमने इसका बिल्कुल सेटअप किया है कि नेशनलाइज बैंक बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड है, PFI इंक्लूड है, कंपनीज इंक्लूड है, कॉर्पोरेशन इंक्लूड है, नॉट इंक्लूड में है कॉपरेटिव सोसाइटीज, और यही हमारा आंसर है सी नंबर, रजिस्टर्ड कॉपरेटिव सोसाइटी इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पे हम आगे, NOPC कैन कन्वर्ट इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी बिफोर 2 ईयर फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, 2 साल से पहले भी हो सकता है, अगर शेयर कैपिटल उनका 50 लाख 50 लाख से बाहर निकल जाए, टर्नओवर उनका 2 करोड़ से बाहर निकल जाए। इस पर हमारे पास में कई सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं कवर करने वाला हूँ, बराबर। फिर हमने कहा सी नंबर पे बोथ, और डी पे हमने सीधा सीधा बोल दिया ए और बी एनीवन। तो अब आप लोग जानते हो दोनों कंडीशंस हैं, लेकिन जब सेक्शन चेक करोगे तो दोनों के बीच में और है कि वेदर कैपिटल बियॉन्ड निकल जाए या फिर टर्नओवर बियॉन्ड निकले तब भी आप कन्वर्ट हो सकते हो 2 साल से पहले भी। एक तरह से मैक्सिमम लिमिट है ये ओपीसी के लिए भी एज वेल एज स्मॉल कंपनी के लिए भी। तो हमारा आंसर नंबर डी चला गया, ए और बी एनी ऑफ द अबव, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पे आगे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस रिमेन्स वैलिड अप टू, आप सब जानते हैं 1 साल तक शेल्फ प्रोस्पेक्टस वैलिड रहता है, और ये हम इशू करते ही इसलिए हैं कि उस 1 ईयर का वैलिडिटी में हमको अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्रोस्पेक्टस इशू करना नहीं पड़े, तो 1 ईयर हमारा सीधा सीधा सा आंसर यहां पे हो जाएगा, बराबर। चलिए जी, नेक्स्ट पे हम लोग आगे, 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखिए। हाँ, बहुत सीधा सा क्वेश्चन हमारे पास में हो गया, अ कंपनी मे कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर इनटू द शेयर्स, सॉरी, फुली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक, यानी फुल्ली पेड अप शेयर को अगर स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिएगा? हाँ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, 50% और मोर के वोट्स हमको फेवर में चाहिए, स्पेशल 75% और मोर होता है आप जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा सा काम जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से चल जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आंसर्स भी हर 20 क्वेश्चन के बाद आपको आंसर का एक डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, उसमें आप आंसर को देख सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। देन हम लोग 20th क्वेश्चन के अंदर आ गए, और यहाँ लिखा है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वाउंड अप अपॉन ऑन द डेथ ऑफ ऑल द मेंबर, हैविंग नो परपेचुअल सक्सेशन, तो बट ऑब्वियस है क्वालिटी एक ही जाएगी, बी नंबर, यानी कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, हमारा सीधा सीधा सा पॉइंट हो गया। तो 20 क्वेश्चन का एक सिंपल सेट यहाँ पे खत्म हुआ, आइए 20 का एक सेट और इस वीडियो के अंदर हम लेने का ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि भाई अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाए तो उसके हमारे क्या क्या बेनिफिट होंगे।
प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, फ्रॉड के चांसेस बढ़ेंगे, ग्रेट अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी सर पे, या सेपरेट लीगल एंटिटी। मेरे ख्याल से सबको पता है आंसर नंबर डी जाने वाला है, सेपरेट लीगल एंटिटी। बहुत सिंपल काम हो गया। नाउ मिनिमम पेडअप कैपिटल किसी भी प्राइवेट कंपनी का इस वक्त में क्या है? क्या 1 लाख है, क्या 2 लाख है, क्या 5 लाख है, या अभी तक भी नोटिफाई नहीं है? इस वक्त तक हमारा आंसर जो है वो नॉट नोटिफाई जाने वाला है, ध्यान में रखेंगे अपन, ठीक है। नाउ नंबर 23 पे हम लोग आ गए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अभी आज की वीडियोस में हैं, जो इन जनरल भी आपकी हेल्प करेंगे थोड़ा सा प्रोविजन को समझने के अंदर। और 23 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाँ, पब्लिक कंपनी कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर रिसीविंग। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैंने यहां पे आंसर नंबर ए लिया है, पर ध्यान रखिएगा। नाउ अभी सेक्शन नंबर 11 भी हमारा नोटिफाई हो चुका है, बराबर, जिसमें यह कह दिया गया है कि पब्लिक कंपनी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, साथ में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे पुराने कंपनी एक्ट में भी था। तो चूंकि सेक्शन नोटिफाई हो गया है, तो नाउ अभी इसका आंसर कई सारे लोगों ने सी लिया है, तो यहां पे मैं भी इसको चेंज करके सी आंसर कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा यहां पे मेरा आंसर शीट में आंसर ए लिखा है, लेकिन सेक्शन 11 नोटिफाई है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर सी चला जाएगा कि हाँ भाई हमको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए, नाउ टाइम हमको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट भी चाहिएगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट आंसर, बराबर। चलिए जी, नाउ द चार्टर ऑफ कंपनी इज, क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ये वाला, और चार्टर हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। नंबर नेक्स्ट पे आए, इनमें से कौन सा मेमोरेंडम का क्लॉज नहीं है? तो हम जानते हैं 6 क्लॉजेज हमारे पास में है, और उनमें से मेंबरशिप क्लॉज जो है वो कहीं पर भी नहीं है। कैपिटल है, नेम है, ऑब्जेक्ट क्लॉज हमारे पास में है, देन कैपिटल क्लॉज है हमारे पास में, लाइब्रेरी क्लॉज है, और देन सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। तो आंसर इज सी। चलिए, ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज रिक्वायर, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज को आपको ऑल्टर करना है, सिंपली ऑल्टर करना है, तो एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन ए नंबर एकदम फटाफट से हो गया, कोई हमारा टेंशन इसके अंदर है ही नहीं। नाउ टेबल एफ जो है बहुत काम की चीज, सीए फाइनल में बहुत काम आएगी, जो कंपनी के आर्टिकल्स के लिए, तो हमने कहा कौन सी कंपनी के आर्टिकल्स के लिए, गारंटी वाली, शेयर्स वाली, शेयर गारंटी वाली, अनलिमिटेड वाली, तो हमारा आंसर नंबर बी है, यानी बी क्वेश्चन का आंसर हमारा सीधा सीधा सा हो गया, लिमिटेड बाय शेयर्स हमारा जो आंसर है वो जाने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। चलिए नेक्स्ट पे आए, हाँ अल्ट्रा वायरस का मतलब आप लोग मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, ऐसी चीजें जो कंपनी के पावर के बाहर है, यानी मेमोरेंडम के पावर के बाहर है, तो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो एब्सोल्युटली वॉइड होता है। बी नंबर हमारा आंसर करेक्ट हो गया है। हाँ, बहुत सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, इसीलिए ये सीरीज बहुत फास्ट जा रही है हमारी, क्योंकि सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको फिर से ये चीज क्लियर कर दूं कि इस पूरा सीरीज में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, कोशिश करेंगे अराउंड हम लोग 300 to 400 क्वेश्चंस यहाँ कवर कर लें, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। और मैं आज का चूंकि फर्स्ट सीरीज का वीडियो है, तो हम बहुत सिंपल पार्ट ले रहे हैं, एकदम आसान वाले क्वेश्चंस ले रहे हैं। जल्दी ही क्लास का वीडियो आपको अपलोड करूंगा, जिसमें हमने कुछ 15 क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए थे, जो डिटेल क्वेश्चंस के ऊपर हैं, आईसीए के जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है। और देन उसके बाद में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। फिर हमने नेक्स्ट लिया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ। अब इंडोर मैनेजमेंट बेसिकली जो है वो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है थर्ड पार्टीज, आप लोग जानते हो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन हो गया, इट इज प्रिज्यूम बाय द आउटसाइडर थर्ड पार्टीज दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लाइड विद। तो सी ऑप्शन हमारा डी नंबर जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट चला गया, बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट पे हम लोग आ गए, अगर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस हो गया है तो सिविल क्रिमिनल कौन सी लाइबिलिटी लगने वाली है? बट ऑब्वियस दोनों लगेंगी, सी ऑप्शन हमारे पास में एकदम करेक्ट है। नाउ इनमें से हम प्रोस्पेक्टस में किस किस को इंक्लूड करते हैं, जब आप डेफिनेशन देखोगे तो एब्रिज भी है, रेड हेरिंग भी है, शेल्फ भी है, यानी आंसर नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज आर करेक्ट आंसर, एकदम आसान। नेक्स्ट पे हम लोग पहुंच गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट शेयर्स। सबसे पहला पॉइंट, कौन सी चीज आपसे पूछा कि नॉट ट्रू है? इट इज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी, तो ये सेंटेंस तुमको ट्रू लग रहा है। शेयर इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी ट्रू है। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रमोशनरी नोट एंड चेक, ट्रांसफरेबल है जरूरी है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है।
शेयर इज ए स्मॉल यूनिट इन द शेयर कैपिटल, ये भी ट्रू है. तो बट ऑब्वियस एक ही बच गया हमारे पास में, शेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ए गुड्स, ये फॉल्स है. अब आपको हो गए कैसे? तो मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ के आए हो, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप लोग पढ़ के आए हो कि शेयर्स को हमने गुड्स का डेफिनेशन में शेयर एंड स्टॉक को कवर किया है, इसीलिए वो गुड्स हैं. इन्होंने लिखा गुड्स नहीं है, मतलब यही फॉल्स है, यानी यही हमारा होने वाला है आंसर बी. चलिए, नाउ शेयर्स कैन बी ट्रांसफर. अब शेयर्स को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो फ्रैक्शन में करोगे, होल करोगे, बोथ ए एंड बी होल ही करोगे. लेकिन सर हमने तो पढ़ा है फ्रैक्शन में. देखो, फ्रैक्शन में अगर तुमको सेल करना है तो तुमको उसको स्टॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और देन उसके बाद में सेल करोगे, तो एज अ होल ट्रांसफर होगा. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट 34 पे हम लोग पहुंच गए हैं, पावर टू मेक कॉल. अब शेयर होल्डर से कॉल कौन कॉल करेगा? तो बीओडी के पास ही राइट होता है, और किसी के पास में भी नहीं, तो बीओडी ये काम करने वाले हैं. ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट क्रिएट्स एस्टोपल ऑफ. अगर आप नोट्स पढ़े, स्टडी मैट पढ़े, देखिए ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये मैक्सिमम हमने स्टडी मैट से ही निकाल करके लिखे हैं, बराबर. अच्छा, एक और बढ़िया चीज आपको बता देता हूं यहां पे, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में मेरा जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही, मतलब मेरे साथ काफी कुछ कंट्रीब्यूशन, काफी कुछ जो है वो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स का भी है. मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोला था कि आप लोग अपने हिसाब से कुछ एमसीक्यूज निकाल करके बनाएं कि क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं. तो काफी सारे स्टूडेंट ने कुछ मुझे क्वेश्चंस बना करके दिए कि सर देखो ये टाइप का एमसीक्यू जब हम पढ़ रहे थे, हम तैयारी कर रहे थे तो आया, तो इनमें उन स्टूडेंट्स का भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो उन सारे स्टूडेंट्स को भी मेरा बड़ा वाला थैंक्स है कि आप लोगों ने मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत किया, और मेरी ये मेहनत जो है वो आज बहुत सारे लोगों के काम में आने वाली है. क्योंकि जो आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ मुझे बना के दिए, जिसको मैंने अपने पेपर सेट में इंक्लूड किया है, बराबर, तो इसमें आपका मेहनत है और बहुत सारे लोगों का इससे बेनिफिट भी होगा. तो इसीलिए मेरे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इन क्वेश्चंस में मेरा हेल्प किया, खुद बना करके मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए कि सर जब हम पढ़ रहे थे तो हमको लगा कि एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, उनको बहुत सारा वाला मेरा थैंक्स. तो अब हमने कहा शेयर सर्टिफिकेट कौन से राइट्स को क्रिएट करता है. आपको अगर याद हो तो एस्टोपल एस टू पेमेंट भी है, एस्टोपल एस टू टाइटल भी है. इट मीन्स, ये मैं दोनों हटा देता हूँ तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे. इट मीन्स हमारा आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट चला जाएगा, बोथ वाला. ये अपने को 35 के आंसर में ध्यान में रखना चाहिए. चलिए जी, नेक्स्ट हम लोग आए, शेयर सर्टिफिकेट आर टू बी इशूड बाय कंपनी विद इन. अब शेयर सर्टिफिकेट जो है वो कितने टाइम में इश्यू हो जाना चाहिए, जनरल बात अगर अपन यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं उसके हिसाब से हमारा आंसर बहुत सीधा सा है. 1 मंथ फ्रॉम द अलॉटमेंट होना चाहिए, या 2 मंथ होना चाहिए, 6 मंथ या 1 ईयर. तो 36 का हमारा आंसर नंबर जो है वो बहुत सीधा सीधा सा है. बी नंबर आंसर हमारा 2 मंथ फ्रॉम द अलॉटमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर. ठीक है, 2 मंथ फ्रॉम द अलॉटमेंट बोला है. शेयर ट्रांसफर के केस में 1 मंथ में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन यहां पे हम अलॉटमेंट से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोविजन आप लोग ध्यान में रखेंगे. ठीक है, नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर. इन 4 में से सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कहाँ पे यूज नहीं होता है? ये क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं, जिस वक्त में पुराना कोर्स हमारा चलता था 1956 वाले पॉइंट पे और आईपीसीसी था, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला कभी कभार वो लोग एमसीक्यू दे देते थे. तो हमने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में तो यूज होता है, राइट ऑफ करने में, अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने में भी होता है, फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में भी होता है. सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में तो नहीं होता है? या होता है, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में होता है, लेकिन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में नहीं यूज होता है. यानी कि आंसर नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जाने वाला है, ये आप लोग यहां पे ध्यान रखने वाले हैं, बराबर. देन अंडर राइटिंग कमीशन ऑन डिबेंचर मस्ट नॉट एक्सीड अंडर राइटिंग कमीशन डिबेंचर्स पे. आप लोग जानते हो क्या होता है, 2.5%, सबको याद है और सबको बचपन से याद है क्योंकि आप लोग 12th में भी ये पढ़ करके आए हैं. तो बहुत सिंपल हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन 2.5% ऑन इशू प्राइस. बी ऑप्शन अपना एब्सोल्यूट करेक्ट चला जाएगा, ध्यान में रखेंगे, फेस वैल्यू पे नहीं होता है ये, हमेशा इशू प्राइस पर जाएगा. नाउ ऑथोराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, बोथ ए एंड बी. तो आंसर नंबर डी करेक्ट है, याद रखिएगा. ऑथोराइज कैपिटल के कुछ और भी नाम हैं, जैसे नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है ऑथोराइज कैपिटल को, पेड अप नहीं. तो बोथ ए एंड बी, डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. चलिए जी, तो अब हम लोग आ गए हैं एकदम आखिरी आखिरी वाले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आ गए. देखिए 40 वाला क्वेश्चन,
रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, जब आप सेक्शन चेक करेंगे 66 में तो ये आपको दिखेगा, ये सारी लाइंस आपको दिखेंगी, रिड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूशिंग द लाइबिलिटी फॉर अनकॉल्ड कैपिटल, जितना अनकॉल्ड कैपिटल है उतना सा लाइबिलिटी आपने कम कर दिया, बाय पेइंग ऑफ और रिटर्निंग कैपिटल विच इज एन एक्सप्रेस रिटर्न, कैप जो कैपिटल है उसको रीपे कर दिया उससे भी कम हो जाएगा, पे ऑफ पेड अप कैपिटल बराबर पे कर दिया, रिटर्न कर दिया, पे कर दिया, हाँ, देन उसके बाद में हमारा पास में आ गया ऑल ऑफ दीज, वैसे भी एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर दिखे तो अपने को करेक्ट आंसर कर लेना चाहिए, तो हमारा आंसर जो है वो चला जाएगा ऑल ऑफ दीज वाला, डी ऑप्शन हमारे पास एब्सोल्युटली करेक्ट है, आपको यहाँ दे के भी रखा है, तो ये हमारा 40th क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो गया। चलिए जी, तो आज का हमारा जो काम था, आज का जो हमारा वीडियो था, उसमें करीब हाफ एन आवर हमको हुआ है, 40 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कवर किए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास में हैं, टोटल 400 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से दिख जाएंगे, तो उनको भी मैं इसी तरह से जल्दी ही आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, बराबर। तो बताइएगा कि किस तरह से लगा आपको वीडियो, और क्या वाकई में मुझे अब इस पर और बाकी की वीडियोस बनाते रहना चाहिए, सारे हम एमसीक्यू क्या यहाँ वीडियो के थ्रू कवर कर लें, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और ज़रूर लाइक तो करना ही है, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी आप लोगों को करना है, जो जो लोग इस बार इंटरमीडिएट मई में एग्जाम देने वाले हैं, एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, बराबर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसा सब लोग बोलते हैं, तो मैं भी बोल देता हूँ, ओके, ऑल द बेस्ट, जल्दी वापस से मिलेंगे, थैंक यू।